बॉबी जहां एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। पीएम नरेंद्र मोदी के कारण विवेक ओबेरॉय को मिली जान से मारने की धमकी। बॉलीवुड एक्टर विवेक ओबेरॉय बहुत जल्द फिल्म पीएम नरेंद्र मोदी में नरेंद्र मोदी के किरदार में दिखाई देंगे। अपने इस किरदार को लेकर विवेक ओबेरॉय काफी चर्चा में चल रहे हैं। पिछले दिनों एक इवेंट के साथ मेकर्स ने इस फिल्म का दमदार पोस्टर रिलीज किया था, जो कि नरेंद्र मोदी के चाहने वाले ने काफी पसंद किया था। विवेक ओबेरॉय की ये फिल्म इस शुक्रवार को रिलीज होने वाली है। इससे पहले विवेक जमकर इसका प्रमोशन भी करते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अब अभिनेता विवेक ओबेरॉय को इसके चलते हाल ही में फोन पर धमकियां भी मिली थी। इस धमकी को गंभीरता से लेते हुए विवेक ओबेरॉय बुधवार को पुलिस स्टेशन में पहुंच गए। उन्होंने इसकी शिकायत मुंबई पुलिस में कर दी। इसके बाद विवेक ओबेरॉय की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। खबर के अनुसार विवेक ओबेरॉय फिल्म में पीएम मोदी की भूमिका निभा रहे हैं, जिसके चलते ये धमकी मिली है। लोकसभा चुनाव परिणाम सुझाने में एनडीए ने पार किया 300 का आंकड़ा। लोकसभा चुनाव 2019 के वोटों की गिनती जारी है। शुरुआती रुझाव में एनडीए यूपीए के मुकाबले तेजी से आगे बढ़ रही है और देश में एक बार फिर से मोदी की सरकार बनती दिख रही है। रुझानों में एनडीए ने 300 का आंकड़ा पार कर लिया है। अब तक 531 सीटों से रुझान सामने आ चुके हैं। एनडीए 310, यूपीए 117 और अन्य 104 सीटों पर आगे चल रहे हैं। शुरुआती रुझान में एनडीए को बहुमत मिलता दिख रहा है। ऐसे में शेयर मार्केट में भी रिकॉर्ड तोड़ उछाल हुआ है। गुरुवार को सक्सेस अब तक की सबसे ज्यादा पॉइंट पर पहुंच गया है। अरुणाचल प्रदेश में ईवीएम लेकर भागे 500 नकाबपोश चुनाव अधिकारियों पर की फायरिंग। एक तरफ जहां पूरे देश इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की सुरक्षा में जवान तैनात है, तो वही नॉर्थ ईस्ट के अरुणाचल प्रदेश में कुछ अज्ञात लोग इसे लेकर फरार हो गए। जानकारी के अनुसार करीब 500 लोग हथियारों के साथ आए और ईवीएम के साथ फरार हो गए। इन लोगों के पास हथियार थे और इन्होंने चुनाव अधिकारियों पर हमला भी किया। चुनाव अधिकारियों की ओर से बुधवार को इस बात की जानकारी दी गई। 11 अप्रैल से शुरू हुए लोकसभा चुनाव रविवार को खत्म हो गए। 6 हफ्तों की शांति के बाद रविवार को उस समय अफरा तफरी मच गई जब विपक्षी ने ईवीएम के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। विपक्ष का कहना है कि इस इलाके में चुनाव अधिकारियों के साथ हिंसा की गई है। अरुणाचल प्रदेश में रविवार को अधिकारियों की एक टीम घने जंगल से गुजर रही थी और यहाँ पोलिंग स्टेशन की तरफ जा रही थी। इसी समय इस पर हमला किया गया। तो एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।